गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शब्द और वाक्य। शब्द माने इंग्लिश में हो गए वर्ड्स, वाक्य माने हो गए सेंटेंस। सो शब्द और वाक्य। अब वाक्य जो है विषय प्रवेश मीन्स इंट्रोडक्शन। हम ये जानते हैं कि हम जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। हम उसके द्वारा जो अनेक तरह के शब्द को प्रयोग करके ही एक वाक्य बनाते हैं। अब शब्द के प्रयोग के द्वारा वाक्य की उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले बार हम जानते हैं कि शब्द क्या है या शब्द किसे कहते हैं। दो या अधिक वर्ण मिला के कुछ निश्चित अर्थ देते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे समझ लो, एक वर्ण से कोई भी, अगर एक वर्ण लो अ या क, इससे कोई अर्थपूर्ण मतलब नहीं निकल रहा है। ये एक वर्ण है ठीक है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर समझ लो इसी अ के संग हम अगर आ की मात्रा और ज यूज कर देते हैं, लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, ठीक है, दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, आज। तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द हुआ। इसी तरह ये बोल रहा है दो या दो से अधिक वर्ण। अब कभी कभी हम लोग केवल दो तो नहीं, जैसे कलम, कलम, यहाँ कितने वर्ण हुए, क ल म, तीन वर्ण है। तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिला के जो एक निश्चित अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है हाथी, ह पर हलंत आ थ की मात्रा, बादल, किताब, ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलग अलग वर्णों के, जो जिन्हें मिला के एक पर्टिकुलर शब्द बना है, ठीक है। अब ये जो शब्दों के बात हम कर रहे हैं, इनके भेद होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या हैं, वो किस किस पर डिपेंड करते हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर मैंने वो कहाँ से, उसका बर्थ कहाँ है, उस शब्द का बर्थ कहाँ है। बनावट के आधार पर मैंने वो कैसे बना, वो जब तुम इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। प्रयोग मैंने वो कहाँ यूज होता है, अर्थ मैंने उसके मीनिंग के अनुसार। तो ये चार पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम शब्दों को डिफाइन कर, मैंने डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला क्या है, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत में, हमारा जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। अब संस्कृत में जो शब्द जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उन्हें हम हिंदी में भी उसी तरह यूज करते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, कर्ण, सर्प, ये एक्चुअल में है क्या शब्द, संस्कृत शब्द। तो जो सारे शब्द संस्कृत के हैं लेकिन वो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में, माने अपने बेसिक रूप में, अपने जो उनका जो रूप था पहले, उसी रूप में जब वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, तद्भाव शब्द। तद्भाव शब्द क्या है, संस्कृत भाषा के वो शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। अब संस्कृत के, जैसे ये है, हम सूर्य का एग्जांपल ले रहे हैं, संस्कृत में हम सूर्य बोलते हैं। अब इसमें हम लोग चेंज लाए हैं, चेंज लाकर सूर्य से इसको हम लोग क्या बना दिए, सूरज। हम लोग ये नहीं बोलते ना सूर्य देवता सूर्य को देखने जा रहे हैं, हम लोग सूरज दिख रहा है, ये सूरज देख, हम सूरज को देख रहे हैं।
उसी तरह अग्नि को हम लोग क्या अगर इसमें चेंजेस लाके हम बना दिए हैं आग, तो दूध हिंदी भाषा मैंने हिंदी ये दूध का संस्कृत वर्ड है दुग्ध, तो कर्ण का हिंदी वर्ड है कान, मीन्स उसको चेंज लाके बनाया हुआ कान। तो ये अब तुम समझ सकते हो कि जो सब जो सारे सब जिनके मूल रूप में जो बेसिक फॉर्म है उनके, उस रूप में अगर परिवर्तन माने चेंज, उस रूप में अगर चेंज करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो वैसे शब्दों को हम बोलते हैं तद्भाव शब्द। जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया है आम सूरज ये। अब कुछ है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वो शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग किए जाते हैं वो देशज कहलाते हैं, जैसे जूता गाड़ी आदि। आदि मतलब होता है एक्सेट्रा, आदि को हम लोग मैंने एक्सेट्रा जो इंग्लिश में लिखते उसका मतलब है आदि, ठीक है। अब ये जो शब्द है, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जो लोकल स्थानीय मैंने लोकल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो हम लोग अब हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें उस टाइप के शब्दों को हम लोग बोलते हैं देशज शब्द। जैसे जूता गाड़ी, अब ये जूता एक्चुअल में हिंदी शब्द नहीं है, किसी कोई रीजनल लैंग्वेज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बोला जाता है वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। गाड़ी भी उसी तरह का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आया चौथा विदेशी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो कि बाहर से लिए हुए हैं, मैंने समझ लो इंडिया के बाहर से लिए हुए हैं। वैसे सारे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग करने वाले वो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं, हम लोग अलमारी देखो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं, है वही चीज़, सेम चीज़। तो ये मे भी इंग्लिश से आया है, इसीलिए इसे हम लोग ये विदेशी शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है, ये तत्सम तद्भाव देश शब्द नहीं है। ये हो गए उत्पत्ति के अनुसार, माने उसका जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उत्पत्ति में उसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, तत्सम जो संस्कृत से आया डायरेक्टली, तद्भाव जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन उनमें चेंजेस करके हम हिंदी में शब्द में यूज करते हैं। देशज शब्द वो हैं जो कि स्थानीय भाषा के लोग बोलते हैं लेकिन वो अब हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द क्या है, जो शब्द विदेश आए में विदेशी भाषाओं में प्रयोग किए जाते लेकिन अब वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हो गए विदेशी शब्द। अगर ये नाम ठीक से समझ लो तुमको तब उसके हिसाब से याद रहेगा कौन सा क्या है, क्योंकि बाद में जाके जब क्वेश्चन आंसर करोगे तुम लोग तब उस समय तुम्हें बोलेगा ये शब्द को तत्सम तद्भाव देशज विदेशी शब्द में डिफ्रेंशिएट करो। अब बनावट के अनुसार, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता और जिनका अर्थ परंपरा से ही चला आ रहा है, ऐसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब समझ लो हम ले रहे नदी, ये जो नदी है अगर इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न प्लस दी, न प्लस अ प्लस द, द प्लस ई। तो ये देख रहे हो नदी में अगर ये इतना हम न भी तोड़े, जस्ट न और दी ही लिखें, तो ये न का कोई अर्थ नहीं हो रहा है ना ही दी का कोई अर्थ हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके वर्णों का या उनके भागों का, नॉट वर्णों का, उनके जो दो भाग में हम लोग उसको तोड़े हैं उनके भागों का अगर कोई मतलब नहीं निकलता है तो, और इनका अगर जोड़ के जो मतलब निकलता है उसे, और परंपरा से हम लोग बहुत दिनों से चली आ रही, उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये चीज ऐसे समझो, देखो जैसे नल, ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, न प्लस ल, तो इतना इसका मीनिंग है ना, इसका मीनिंग है,
लेकिन अगर हम नल ज्वाइन कर देंगे, न प्लस ल लिखेंगे, जैसे नल लिखेंगे तो इसको हम लोग बहुत पहले से इसको नल बोलते हुए आ रहे थे, ऐसे शब्द इनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब आया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, जैसे दो शब्दों को मिला के ऐसा शब्द बनता है जिनका एक सार्थक मीनिंग होता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे क्या हुआ, हम पहले पढ़ दे रहे हैं, जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहे जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे यहाँ मैंने क्या कहा तुम्हें कि इनको अलग करने से कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे न का और दी का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर जो यौगिक शब्द के अंडर में जो शब्द आते हैं उनको दो अलग भागों में अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो एक एक भाग का एक एक मीनिंग होगा। जैसे एग्जांपल लो, हिमालय, हिमालय को अगर तुम तोड़ोगे तो होगा हिम प्लस आलय। हिम मने हो गया बर्फ, आलय मने हो गया घर, तो बर्फ का घर इज हिमालय। तो तुम देख रहे हो ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो दोनों पार्ट का मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। अब आया योग रूढ़ शब्द। ये भी क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द को एक विशेष अर्थ देता है, वो यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ हिम और आलय अगर हम लोग जोड़ते, ये दोनों का अपना अपना मीनिंग है, ये मिलके बन रहा हिमालय, लेकिन योग रूढ़ क्या है, वो ऐसे दो शब्द हैं जिनके दो अलग अलग मीनिंग है, और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो तीसरे एक मीनिंग को पैदा करते हैं, मतलब वो तीसरे मीनिंग को इंडिकेट करते हैं। जैसे क्या हुआ, जलज, जलज का मतलब क्या हुआ, जल में पैदा होने वाला। अब जल में पैदा होने वाला क्या होता है, कमल होता है और भी एक दो फ्लावर होता है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो कि दो या दो से अधिक से यौगिक शब्द से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन ये मिलने के बाद एक तीसरा मीनिंग निकालते हैं, तो ऐसे हम लोगों को योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर, माने यूज के आधार पर, क्या है विकारी और अविकारी। अविकारी क्या हुआ, विकारी शब्द वो शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, मतलब ये जो विकारी शब्द हैं इनका जो रूप है उसमें क्या कि किसके किसके अंडर चेंज आता है, उनके लिंग में चेंज आता है, वचन में चेंज आता है, पुरुष में, काल में, ये सब में चेंज आता है। एक सेकेंड, तो इनके रूप में चेंज आता है। तुम बस इतना याद रखो कि विकारी शब्द वो हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आता है, और अविकारी वो हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन या बदलाव एक ही शब्द है। विकारी के कितने भाव हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये तुम्हारा विशेषण और क्रिया, और अविकारी के कितने हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इसको इससे ज़्यादा याद रखने का और कुछ ज़रूरत नहीं है इस क्लास के लिए, आगे क्लास के लिए फिर और कुछ होगा। अब अर्थ के आधार पर, जो अर्थ है मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो सार्थक शब्द क्या है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कौन से, जो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक। ये सारे हो गए तुम्हें शब्दों के बारे में। अब हम आते हैं वाक्य के बारे में, वाक्य या सेंटेंस। सो दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, अमित पत्र लिखता है,
अब देखो यहाँ कितने सारे शब्द हैं, एक सूरज है, एक पूरब है, एक मैं उगता है, तो ये इतने सारे शब्द को मिला के एक वाक्य बना हुआ है। यह अमित पत्र लिखता है, ये अभी चार शब्द है, इन चारों को मिला के एक वाक्य बना है, ठीक है। तो ये हुआ वाक्य। अब वाक्य के अंग माने वाक्य के पार्ट्स क्या क्या है, ये क्या दो तरह के होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। तुमने इंग्लिश में पढ़ा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सो उद्देश्य इज सब्जेक्ट एंड विधेय इज प्रेडिकेट। तो क्या है, पहले उद्देश्य आता है फिर विधेय आता है। एक शब्द को एक वाक्य को अगर तोड़ोगे तो पहले उद्देश्य आएगा फिर विधेय आएगा। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या है, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे समझ लो अगर मैं लिखती हूँ राम खाना खा रहा है, तो यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राम के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया उद्देश्य, और वो राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ये हो गया विधेय, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, गीता काम करती है, ये सिंगल सेंटेंस है, यहाँ तुमने तोड़ के बताया है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, गीता के बारे में बात हो रहा है। वो क्या काम करती है, वो काम करती है, तो ये विधेय हो गया। राधिका नाच रही है, तो राधिका हो गया, कौन नाच रहा है, राधिका नाच रही है। जब तुम वो सेंटेंस से या वाक्य से पूछोगे कि ये कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नाच रहा है या कौन कहानी सुना रहा है, तो वो जो आंसर मिलेगा वो उद्देश्य होगा, बाकी का सारा विधेय होगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा वाक्य के बारे में। तो आशा है कि तुमने पूरा चैप्टर को समझ लिया होगा।